हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एग लबाबदार रेसिपी, जो बहुत ही इजी है और झटपट आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में पानी गर्म करेंगे, उसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे, 10-12 काजू डालेंगे और 4 हरी इलायची और 4 लौंग डालेंगे। इसको अच्छे से हम पहले बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, वो सॉफ्ट भी हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 तेजपत्ता डालेंगे। हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज का प्याज यूज कर रहे हैं। प्याज को हमने क्रश कर लिया है, आप चाहे तो प्याज को बारीक चॉप्ड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्याज को क्रश करना है, ग्राइंड नहीं करना है पूरा। मीडियम टू हाई फ्लेम में हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, नमक, तेल और जो मिर्ची होता है यानी रेड चिली पाउडर, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से पसंद करते हैं उस हिसाब से ही आप यूज कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हमें मसाले को बहुत अच्छे से 3-4 मिनट तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, टमाटर और काजू का पेस्ट अब हम इस स्टेज में डाल देंगे। हम अभी फिर से इसे 3-4 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है, जब तक ना तेल और मसाला अलग हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तेल और मसाला अलग हो चुका है, इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद हाथों से क्रश कर लिए हैं। अब हम बॉईल किया हुआ एग डालेंगे, जिसको हमने बीच से कट कर दिए हैं। हमने 5 एग्स बॉईल किए थे, उसमें 4 एग्स को हमने बीच से हाफ कर दिए हैं और 1 एग को रख दिए हैं हमने, जिसे हम बाद में डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे। अब हम इसको लीड लगाकर 2-3 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। 2-3 मिनट हो चुका है, अब हम लीड को ओपन करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम 2-3 चम्मच क्रीम डालेंगे, हम होममेड क्रीम यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज कर सकते हैं।
हम एक बॉइल्ड एग लेंगे और ग्रेवी के ऊपर एग्स के व्हाइट पार्ट को इस तरह से ग्रेट कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बोल में इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एग लबाबदार बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चावल, पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें फीडबैक दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।